हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा अब आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एनएफसी का पेपर आ गया है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का पेपर आ गया है। 8 जुलाई को उसका पेपर होने वाला है जो आप लोग देने जा रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग को उसके पेपर के लिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छे से हो। आज का जो वीडियो है वो एनएफसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में है, डिस्कस करेंगे जो पेपर आए हुए थे। आप लोग सोच रहे होंगे इतना लेट क्यों? लेट इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो फीडबैक आए हैं उसमें ये पता चला है कि अगर फॉर्म आते ही जब मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देता हूँ तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ तैयारी करना स्टार्ट करते हो, सिर्फ जो सब्जेक्ट आए होते हैं। बट ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए सेम लाइक वैसे ही क्वेश्चन आए। इसलिए मैंने इस बार तुरंत अपलोड नहीं किया, पेपर से 5 दिन पहले मैंने अपलोड किया है, ताकि ये सिर्फ रिवीजन के लिए हो आपके कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं एनएफसी के बारे में आपको बता दूं जहां पेपर देने जा रहे हैं, देन मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। जैसा आप जानते हैं तो एनएफसी डीएई का एक प्रोडक्शन यूनिट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक प्रोडक्शन यूनिट है, जो आप जानते हैं जो रिएक्टर्स के लिए फ्यूल बंडल्स बनाते हैं उसमें आपको काम होंगे। इसके बहुत सारे ब्रांच हैं, अदर अदर स्टेट्स में इसके ब्रांच हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के नाम से, जहाँ पोस्टेड होंगे। इसमें 2 स्टेज होंगे आपके, एक रिटन, उसके बाद देन इंटरव्यू। रिटन का कोई भी वेटेज नहीं होगा सिलेक्शन के लिए, मीन्स आपका जितना भी वेटेज होगा सिलेक्शन के लिए वो इंटरव्यू बेस पे होगा, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैक्सिमम 50 to 60% भी रिटन में एग्जामिनेशन में मार्क ऑब्टेन करते हैं तब भी आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होंगे, मोस्टली प्रॉबिलिटी। अगर 60% भी आप नंबर पाते हैं इसमें तो आप कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने जो आपने पढ़ा है बस वो रिवाइज एक बार कर लीजिए और वहाँ से आराम से जाकर करिएगा। इसमें जैसे आप जानते हैं 50% निगेटिव मार्क भी होता है, अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/2, मतलब 2 नंबर आपको वहाँ से कट जाएंगे, मीन्स 1/2 का यहाँ पर प्रोसीजर रखा गया है। टोटल वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा, आप ध्यान से सुने, रिटर्न वाली आपको पास होना है, सारा वेटेज इंटरव्यू के लिए होंगे। तो अगर इस बात से कोई अगर क्वेरी होगी कि यहाँ जाने पे क्या होगा कैसे होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। आप चलिए शुरू करते हैं अपने रिटर्न क्वेश्चन की तरफ कि कैसे कैसे आए हैं। आप इतना ध्यान में रखें जो मैंने टॉप 20 क्वेश्चन कराए हुए हैं, मोस्टली क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि अगर टॉप 20 क्वेश्चन आपने किया है तो बहुत ही ईजिली इसका क्रैक कर सकते हैं रिटर्न। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि प्रीवियस 20 डेज से मेरे वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, उसका एक खास रीज़न है कि मुझे कोविड हो गया था, कोविड के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, इसके कारण वीडियो 20 दिन से अपलोड नहीं हो पा रही थी। इसमें ऐसा कोई बात नहीं कि वीडियो बनाना बंद हुआ है, वो थोड़ी तबीयत ज़्यादा मेरी ख़राब हो जाने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, मैं आइसोलेशन में था। तो बस यही आपको बताना, तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायमेंशन इज, आपको बताना कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसका डायमेंशन क्या होता है। ये भी मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन में करा रखा है, तो इसमें से बताना है आपको। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए L²T, नंबर बी ML(t-1), नंबर सी L²T^-2, नंबर डी L²T^-1। तो आपको बताना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हैं इसको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी L²T-1। जैसा आप जानते हैं इसका आंसर होता है cm² per second या m²/s, तो आंसर डी इसका हो जाएगा। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 2, इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डैश फॉर एन आइडियल गैस। आपको बताना है आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं करती है, आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए वॉल्यूम, नंबर बी प्रेशर, नंबर सी बोथ ए एंड बी, नंबर डी इनमें से कोई नहीं ऑफ दीज। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको कई बार करा है इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड, बस थोड़ा क्वेश्चन उल्टा किया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी A और B। जैसा आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो ये वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज,
ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एयर का आपको एवरेज मॉलिकुलर वेट बताना है कि कितना होता है। मैंने आपको कई बार निकलवाया हुआ है क्लास में। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए 21, नंबर बी 23, नंबर सी 79, नंबर डी 29। आपको बताना है एयर का मॉलिकुलर वेट क्या है, और अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहिएगा। इससे पता चलेगा कि लास्ट टाइम में आपका प्रिपरेशन कितना अच्छे से हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर डी 29। मैंने काफी बार इसको निकलवाया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। मॉइस्चर कैन रिमूव्ड फ्रॉम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूजिंग, पूछना चाह रहा है जो ल्यूब्रिकेट होता है, ऑयल होते हैं, उसमें से मॉइस्चर को हम किस तरीके से निकालते हैं, ये बताना आपको। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए क्लेरिफायर, नंबर बी सेंट्रीफ्यूज, नंबर सी वैक्यूम लीफ फिल्टर, नंबर डी स्पार्कलर फिल्टर। तो आपको बताना है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल से मॉइस्चर को किस प्रोसेस के थ्रू हम निकालते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीफ्यूज। जैसे आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू सेंट्रीफ्यूज से हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल से। इंडस्ट्री अगर आप विजिट किए होंगे तो ये चीज जरूर जानते होंगे आप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द मोस्ट सुटेबल कन्वेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिकी मटेरियल। ये पूछना चाह रहा है कि स्टिकी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा कन्वेयर सबसे बेस्ट होता है, सुटेबल। ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए न्यूमेटिक कन्वेयर, नंबर बी स्क्रू कन्वेयर, नंबर सी बेल्ट कन्वेयर, नंबर डी एप्रॉन कन्वेयर। आपको बताना है स्टिकी मटेरियल के लिए हम कौन सा कन्वेयर यूज करते हैं मोस्टली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्क्रू कन्वेयर। आप देख पा रहे होंगे अगर टॉप 20 क्वेश्चन आपने सही से किया है तो 90% क्वेश्चन मैच करते हुए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फूट वॉल प्रोवाइड इन पंप्स आर, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें जो फूट वॉल प्रोवाइड किया जाता है उसका काम क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए पी आर वी प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल, नंबर बी थ्री वे वॉल, थ्री वे वॉल टाइप का होता है, नंबर सी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल, नंबर डी प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। आपको बताना है कि जो वॉल यूज हो रहा है वो किस टाइप का है, ये भी अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप देखे होंगे या मेरी लेक्चर पढ़े होंगे इंटरव्यू क्वेश्चन वाला सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तब भी बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, क्योंकि ये एक टाइप का एनआरवी होता है, नॉन रिटर्न वाल्व। जो भी वाटर या मटेरियल एक बार सक हो जाता है उसे दोबारा वापस नहीं जाने देता ये वॉल्व। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ की तरफ। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी के नाम से जानते हैं, इज मतलब जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो क्या है, ये बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए थर्मोसेटिंग मटेरियल, नंबर बी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट, नंबर सी मेड बाय एम्प्लॉइंग इमल्सन पॉलीमराइजेशन, नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना जो पीवीसी होता है इनमें किसके थ्रू बनाया जाता है या क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो होता है इमल्सन पॉलीमराइजेशन। योग आप सही, आप अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों में मस्ट शेयर करिएगा क्योंकि एग्जाम आ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम ए सरफेस क्यू एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज रिलेटेड एज। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी सरफेस से अगर हमारा क्यू रेडिएशन एनर्जी इमिट हो रही है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी से, तो उसके बीच रिलेशन क्या होगा। तो मेरे आपके ऑप्शन आपके सामने, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर टू, नंबर बी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर थ्री, नंबर सी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर फोर, नंबर डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अगर आप स्टीफन बोल्सन लॉ पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। मैंने इतना भी आपको हिंट दे दिया स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर फोर। ये क्लास आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एब्जॉर्बिविटी ऑफ ब्लैक बॉडीज, ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिविटी आपको बतानी है कितनी होती है। ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए 1, नंबर बी 0, नंबर बी 0.78, नंबर डी 0.95। जैसा आप देख पा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एनएफसी में, तो आप अगर टॉप 20 और लेक्चर सही से देखें तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको सही बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1, ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिविटी 1 होती है।
बढ़ते हैं। अभी मैं इसमें ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम में ज्यादा डिस्कस नहीं करना, क्योंकि सारे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ बस मनली मैं आंसर बता रहा हूँ और जिसका जरूरी है उसका बताऊंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10, यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डिफ्यूजिविटी इज। अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो सेम रिलेटेड क्वेश्चन है ये। वॉल्यूमेट्रिक डिफ्यूजिविटी जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसका आपको यूनिट बताना है। तो ये रहा आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नंबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, नंबर 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, नंबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इसका सही आंसर बताइए। ये मास ट्रांसफर का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मास ट्रांसफर कोफिशियंट जिसे आप के से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिफ्यूजिविटी डी आर रिलेटेड टू फिल्म थ्योरी। फिल्म थ्योरी के अनुसार जो के एंड डी में क्या रिलेशन होता है ये आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, नंबर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट डी, नंबर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी की पावर 1.5, नंबर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आप फिल्म थियरी का लास्ट का फार्मूला भी देखे हुए हैं एक बार तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, मीन्स मास ट्रांसफर कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजिविटी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन डैश दिया हुआ है। कंट्रोलर हैज द स्मॉलेस्ट मैक्सिमम डेविएशन। जैसा आप जानते हैं 4 टाइप का कंट्रोलर होता है, तो पूछ रहा है किसमें स्मॉलेस्ट मैक्सिमम डेविएशन होते हैं ये आपको बताना है। फिर आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर 1 P, नंबर 2 PI, नंबर 3 PD, नंबर 3 PID। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर C PD, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर जो होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट मैक्सिमम डेविएशन होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आती रहे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। स्पेसिफिक हीट रेशियो जिसे आप गामा किस से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू। पूछना चाह रहा है आइडियल गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर 1 CP/CV, नंबर 2 CP/CP-R, नंबर 3 1+R/CV, नंबर 3 ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा स्पेसिफिक हीट रेशियो के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑल ऑफ दीज। जैसा आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा इक्वल टू होता है CP/CV, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। और अगर नीचे जो CV है उसको रिप्लेस करेंगे क्योंकि CP/CV इक्वल टू R होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब दोनों की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1+R/CV हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन। कन्वर्जन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ ए डैश रिएक्शन। मीन्स पूछना चाह रहा है जब किसी रिएक्शन में टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो कन्वर्जन इंक्रीज हो जाता है, वो किस टाइप के रिएक्शन के लिए। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर 1 इरिवर्सिबल, नंबर 2 ऑटो कैटलिस्ट, नंबर 3 रिवर्सिबल एक्जोथर्मिक, नंबर 3 रिवर्सिबल एंडोथर्मिक। तो बिल्कुल ईजी है, अगर आपने कर्व पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल उसे आप बता सकते हैं कि किस रिएक्शन में ऐसा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर 3 रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपने कमेंट डालते रहिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, जो लास्ट कमेंट होगा लास्ट कमेंट में जो आंसर होगा उसके सामने आप अपना नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि जो ईमेल आईडी में आपका नाम होता है वो कुछ चेंज होता है बहुत लोगों का, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लास्ट वाले के साथ अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। बहुत बार मैंने आपको कराया है सीआरई में, ये पूछना चाह रहा है कि वह कौन सा रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये है आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर 1 कैटलिटिक रिएक्शन, नंबर 2 ऑटो कैटलिस्ट, नंबर 3 बायोकेमिकल, नंबर 3 फोटोकेमिकल। को बताना है किस टाइप का रिएक्शन बोलते हैं उस टाइप के रिएक्शन को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑटो कैटलिटिक रिएक्शन। इसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो खुद ही एक कैटलिस्ट का काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर।
मॉलिकुलर वेट ऑफ हैवी वाटर, क्योंकि आप डीए का पेपर देने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बताना है कि जो हैवी वाटर मतलब भारी जल होता है उसका मॉलिकुलर वेट क्या होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर 18, नंबर बी 20, नंबर सी 22, नंबर डी 17। आप बिल्कुल इजी से निकाल सकते हैं, जैसे वाटर का फार्मूला होता है H2O, वैसे ही इसका फार्मूला होता है D2O। मतलब अगर हाइड्रोजन का 1H1 होता है तो इसका 1D2 होता है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि ऑक्सीजन का आप 16 कर देंगे और D2 का हो जाएगा 4, मीन्स 20। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोक ओवन गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो कोक ओवन गैस होता है वो मेनली किस चीज से बना होता है, मतलब उसकी कंपोजिशन क्या होती है पूछना चाह रहा है। ये रहे आपका ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर बी हाइड्रोजन एंड मेथेन, नंबर सी मेथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कोक ओवन गैस में मोस्टली कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है। ये भी कई बार आपको कराया गया है फ्यूल एंड कंबसन में। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन एंड मीथेन, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। ब्रॉन्ज कंपोजिशन इज, जो हमारा ब्रॉन्ज होता है मीन जिसे आप कासा बोलते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होती है। या आप बिल्कुल याद करके जाइएगा, ब्रॉन्ज एंड मोनल दो की कंपोजिशन अगर पूछा जाएगा तो इनमें से जरूरी पूछा जाएगा। तो ये रहा आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए कॉपर प्लस टिन, नंबर बी कॉपर प्लस निकल, नंबर सी गोल्ड प्लस आयरन, नंबर डी चांदी प्लस मीन सिल्वर प्लस कॉपर। तो आपके ऑप्शन आपके सामने, आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फिल करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर प्लस टिन। कॉपर प्लस टिन जो मिश्र धातु बनाता है उसे बोलते हैं ब्रॉन्ज। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 19 नंबर क्वेश्चन। नायलॉन 6 इज ए, बताना है नायलॉन 6 क्या है। एक नंबर ए थर्मोसेटिंग रेजिन, नंबर बी पॉलीएमाइड, नंबर सी पॉलिस्टर, नंबर डी नन ऑफ दीज। काफी बार मैंने नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 के बारे में बताया है इसके फार्मूला के साथ, अगर आप लेक्चर ध्यान से देखे हैं तो आपको मिल जाएगा ये। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पॉलीएमाइड। जो हमारा नायलॉन 6 होता है वो पॉलीएमाइड होता है। मैं इसमें 20 क्वेश्चन कवर इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि आएगा आपको 50 क्वेश्चन, लेकिन सेम इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं है। आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाना चाहिए कि आप पिछले पेपर को कितने ढंग से कर पा रहे हैं, इसलिए मैं 2-3 दिन पहले एग्जाम के ये क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी डी इज ऑलवेज डैश सी सी, मीन्स क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज इज ऑलवेज क्या होता है फ्रॉम कोफिशियंट ऑफ कंस्ट्रक्शन के, आपको बताना है। ये रहा आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए ग्रेटर देन, नंबर बी लेस देन, नंबर सी इक्वल, नंबर डी नन ऑफ दीज। मैंने काफी बार फ्लूइड मैकेनिक्स में ये बताया है आपको कि तीनों के बारे में, कोफिशियंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशियंट एंड डिस्चार्ज के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर ए ग्रेटर, जो हमेशा कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज होता है कोफिशियंट ऑफ कंस्ट्रक्शन से ज्यादा ही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को पक्का शेयर करके जाइएगा जो एग्जाम देने जाने वाले हैं, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट आ रहा हो एग्जाम से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, बिल्कुल उसका रिप्लाई देने की मैं तुरंत कोशिश करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।